कोई नाम कोई चेहरा आपके दिमाग में जैसे आमदार के रूप में देखना चाह रहे हैं आप? आएंगे एमआईएम तो फिक्स है, वो आने वाला है। आप फिलहाल के पोजीशन में तो एमआईएम आना जरूरी है। पिछली बार जनता ने जिन्हें मौका दिया था उन्होंने काम नहीं किया यहाँ पे? नहीं, अलग हुआ नहीं काम किसका? देशमुख साहब ने, देशमुख साहब ने किया ना काम। अभी तो आपने बोला नहीं किया। अरे तुम मजी कैसे बोला, मैं बोलूंगा लोगों। क्या नाम है सर आपका? नहीं क्या क्या, अरे सुनिए तो। नमस्कार आदाब, विधानसभा चुनाव के सफर का एक नया मोड़, नया इलाका, नए लोगों से बात करेंगे, उनके विचार जानने की कोशिश करेंगे और साथ में जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं जिन पर जनता चाहती है कि राजनेता बात करें। पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से जाइए और पुराने एपिसोड देख लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं लोगों के पास और बात करते हैं उनसे। नाम क्या है आपका? अखिल भाई। जी अखिल। अखिल साहब, अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है तो कोई नाम कोई चेहरा आपके दिमाग में जैसे आमदार के रूप में देखना चाह रहे हैं? तो है, अभी क्या है, सब का चालू है जिसका उसका। तो क्या आप आएंगे एमआईएम? एमआईएम? अच्छा, आप तो मध्य में पढ़ता है क्या वो? हाँ मध्य। अच्छा अच्छा, तो कोई खास वजह एमआईएम को सपोर्ट कर रहे हैं आप? नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसा ऐसे ही। हाँ ऐसे। क्या नाम है सर आपका? गोविंदराज कुंतम। गोविंद भाई, अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है कुछ दिनों में तो कोई नाम कोई चेहरा दिमाग में जिसे आमदार के रूप में देखना चाह रहे हैं आप? नहीं, आमदार के रूप में कोई भी आ सकता है लेकिन काम करना चाहिए। चलो और में जो अपना सुधारना जो नहीं है, गरीब लोग बहुत है क्या, उनको काम धंधा कुछ भी नहीं है तो उनको काम मिलना चाहिए। ऐसा लघु उद्योग खाली सिर्फ बाइका को ये है बीड़िया करने के वास्ते, और दूसरा कोई काम नहीं है। सबको काम मिलना चाहिए। फैक्ट्री जो बंद है, जो मिल जो बंद है, वो सब खोलना चाहिए। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है ना? बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, चोरियाँ बढ़ रही है, लोग भीख मांगने जैसा मांग रहे, लोगों को काम नहीं है कुछ भी। तो सबको काम मिलना चाहिए, ऐसा अंदर चाहिए हमको, और कुछ भी नहीं है। आइए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सैपन बिश्नोई। अभी सर विधानसभा चुनाव आ रहा है, कोई नाम कोई चेहरा आपके दिमाग में जिसे आमदार के रूप में देखना चाह रहे हैं आप? आमदार के रूप में तो इधर मध्य में देखो, अभी तो आएगा एमआईएम तो फिक्स है, वो आने वाला है। अच्छा मध्य में? मध्य में। तो कोई खास कारण इसके पीछे? खास कारण बोले तो कैसा है, मुस्लिम की मदद फूट जाते ना, इनकी वजह से क्या, मुस्लिम लीडर एक ही खड़ा रहेगा तो एक ही अच्छा है, अगर दूसरा रहेगा तो मत फूट जाता, तीसरा ही आ जाता। ऐसे मुद्दे क्या है जनता के, कहाँ कहाँ काम बाकी है शहर उत्तर? जनता का मुद्दा क्या है सर, इधर रोड मांगता है, पानी मांगता है, बिजली मांगता है, उतना ही मांगता है। और क्या है इधर रोजगार, क्या बोले तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं रहा तो दबा लेगा एमआरसी को, काम को जाएगा, 400-500 पगार में रोजगार उतना ही रहेगा, ज्यादा नहीं है इधर। मैं भी एमआरसी को जाता, 600 पगार है मेरे को। अच्छा, तो 600 मतलब मान लीजिए आपका 18,000 आसपास हुआ महीने का, घर चल जाता। सुबह में 12 घंटा ड्यूटी है ना सर, 12 घंटा ड्यूटी का सिर्फ 600 मिलता है? 600 मिलता है, ये तो एक घंटे का 50 रुपए से भी कम हुआ। फिर क्या करते इधर, उतना ही है मेजर सोलापुर में क्या है। और वैसे पढ़ाई की है आपने? मतलब पढ़ाई नहीं है ना ज्यादा सर, बचपन में मेरे पिताजी मिल में काम देते, मिल बंद पड़ गया, रोजंदर नहीं है, फिर उधर उधर काम छोटा मोटा काम देख के घर चला देते, माँ पिताजी मैं बहन। ये फैक्ट्रीज जो बंद पड़ी है उसका बहुत नुकसान हुआ है? हाँ बहुत बड़ा नुकसान हुआ सोलापुर में। तो आप चाह रहे हैं कि रोजगार का सबसे पहले प्रबंध किया? रोजगार भी बोले तो पढ़ाई मांगता है ना सर, पढ़ाई मांगता है। अभी पढ़ाई वाले अभी पुणे मुंबई में जा रहे ज्यादा, इधर क्या है सोलापुर में। अभी आपके सामने है ना पूरा, बीजेपी का कारण तो पूरा आपके सामने ही है, उसका कारण बताने में मैं कुछ मजा ही नहीं है। मतलब बीजेपी कार्यकाल में काम नहीं, नया नेता तो चाहिए अभी। तो बदलाव चाह रहे हैं? सभी तो अभी बीजेपी को नहीं देखना चाहते। बस महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं चाहिए इस बार? नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? संतोष रोहिते। संतोष भाई, कितनी उम्र हुई आपकी? आप 40 है। 40 साल उम्र हुई, आज भी जवान लगते हैं आप बिल्कुल। तो संतोष भाई, अभी विधानसभा चुनाव में आमदार के रूप में किसे देखना चाह रहे हैं आप शहर उत्तर? महेश कोटे। तो कोई खास कारण इसके पीछे? कारण वो भी आदमी अच्छा है, काम कर सकता है। हाँ इसलिए।
ऐसे जो पिछली बार जनता ने जिन्हें मौका दिया था उन्होंने काम नहीं किया यहाँ पर? नहीं, अभी तक हुआ नहीं काम। किसका? देशमुख साहब ने। देशमुख साहब साहब ने किया ना काम? अभी तो आपने बोला नहीं किया। अरे तुम अजी कैसे ना बोला, मैं बोलूंगा लोगों को। हाँ आप इनको बोलने दीजिए ना, आप बताइए। तो देशमुख साहब ने काम किया है? किया है, पर वो उधर उनके एरिया में किया, इधर हमारे एरिया में नहीं हुआ काम। हमारे इधर जोड़वाई पेट में एरिया। थैंक यू महेश भाई। आप फिलहाल की पोजीशन में तो EMI माना जरूरी है। अच्छा, शहर मध्य में आप बोल रहे हैं? हाँ। तो कोई खास कारण इसके पीछे? नहीं, वो कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन मध्य में आना जरूरी है। सच। तो जो पूर्व में मध्य में इतने साल लोगों ने कांग्रेस को मौका दिया, काम हुआ है कांग्रेस की तरफ से? सब ये राजकारणी लोगों ने काम आए। हाँ। इसी क्या बोल नहीं सकते ना। लेकिन मेरे को इतना समझ है कि EMI माना ये बार इतना लग। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम मल्लू हिरेमठ। जी मल्लू हिरेमठ। मल्लू भाई, अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है, कोई नाम कोई चेहरा आपके दिमाग में जिसे आमदार के रूप में देखना चाह रहे हैं आप? अभी तो देखो महंगाई तो इतना बड़ा है कि आप बीजेपी बोले, बीजेपी क्या काम करे बोले। अच्छा, आई कि नहीं? नाराज है बीजेपी से? अभी नाराज होने चाहिए ना। अभी देखो 10-15 रुपए एक भी सीट नहीं बैठ रहे इधर, 10 रुपए बोलो तो CNG रेट भी बढ़ाए। अभी 92 रुपए की लीटर हुआ, पहले तो 80 रुपए था स्टार्टिंग को। ये तो आपने हालत कौन पूछने वाले? अभी लड़की बहन के पीछे क्या रखे बोलो? बहु कहाँ जाने का? लड़की भाई ने तो बोले तो बहु कहाँ जाने वाले बोलो? हर एक आदमी तो लेडीज के पीछे चले। लड़का भाई परेशान है? बड़े अभी तो परेशान है। अपन क्या है, 2 दिन भी सीट नहीं बैठ रहे। हर एक तरफ ट्रैफिक वाले त्रास है, तकलीफ है, गाड़ी का रेट भी बढ़ाए, CNG का रेट भी बढ़ाए। अभी तो सत्ता थोड़ा बदलना चाहिए अपने को। ऐसे और क्या क्या मुद्दे हैं शहर में, जैसे सड़क का हो गया, नाली ड्रेनेज वगैरह, कई लोग बेरोजगारी वगैरह बता रहे हैं? अभी देखो कचरा इतना गाड़े है अपने सोलापुर जिले में, अब हर एक गली में ना कचरा इतना बड़े सोए। बिल्कुल देखो तुम कहाँ भी बढ़ो हर एक वो परेशान है। और कचरे गाड़ी रास्ता भी बनाते, 3-3 महीने में रास्ता बारिश तो खड्डे में खड्डे अपनी गाड़ी को पड़ते। कितना गाड़ी रखो भी क्या फायदा है अपने सिटी में? स्मार्ट सिटी बोले कहाँ स्मार्ट दिखते क्या तुम्हारे को? स्मार्ट सिटी कहाँ भी देखो, हर एक सिग्नल भी परेशान है, खड्डे खड्डे पे बारिश आए तो खड्डे भी दिखते नहीं कहने। हर एक 3 महीने में रास्ता बनाते क्या भी परेशान अपने कौन सब पूछने वाले? कौन सा हमारे आमदार नगर अभी तो आपको पूछे बोलो अपने परेशान कौन पूछने वाले नहीं है अभी तक। हर एक आमदार आता घर को अगर तक आते, इलेक्शन पीरियड को इतना आने वाले, पूछ को जाने वाले, और हर एक आदमी काम भी नहीं करते। अपन बोल को कितना बोलने, हर एक आमदार का पर कसकर बस जाए गए ना। हाँ उन घर में नहीं, पुणे को गया, मुंबई गया, कलकत्ते गया, फिर अपने परेशान पूछने वाले कौन है? अपन कितने भी अपने परेशान बोलने गए ना, सुनने वाले कुछ नहीं। उसके लिए अपन ये इलेक्शन को मतदान नहीं करने वाले। कर को भी क्या फायदा बोलो इस बार मतदान नहीं करने? नहीं करने का। 5-15 साल अपन बीजेपी बोल को पीछे बढ़े, क्या तो अपने एरिया का सुधार नहीं होएंगे बोल तो? बीजेपी वाले भी नहीं कर रहे, अभी तो कांग्रेस वाले को अपन सीट देते भी नहीं, अपने को आदमी को नहीं सीट दे रहे अभी। उसके लिए अपन परेशान है, वोट नहीं डालेंगे अभी, वोट नहीं डालेंगे आप। अभी तो नाराज हो गए ना, तो नहीं नोटा पे डाल दीजिए, मगर डाल दीजिए क्या कर रहे? काम धंधा छोड़ को, अपन दिन भर काम छोड़ को, मतदान धरने के बाद भी काम नहीं हो तो आदमी नाराज होएंगे ना। वो वोटिंग के दिन आप काम वाम छोड़ के वोट डालने के लिए जाते हैं, फिर अपन एक दिन काम छोड़े तो हमारा घर नहीं चलता। वो काम धंधा छुट्टी कर को भी अपन मतदान करे तो ना, अपने क्या रिस्पॉन्स नहीं देते? कौन से आमदार भी नहीं रिस्पॉन्स दे रहे, नगर सेवक कौन भी पूछते नहीं अपन अपना हालत। तो अभी दिवाली वगैरह गई है अभी हाल ही में ना, क्या हालत है? ऐसा महंगाई चीज बढ़ा को देखो, पहला 82 रुपए किलो होता तेल, अभी तो 140 रुपए किलो भर, इतना बढ़ गया महंगाई, बढ़ गया। ये कुछ पैसे मत दो क्या तुम महंगाई सस्ता करने का ना? CNG के रेट पे 92 है। तुलजापुर कितने किलोमीटर है इधर से? 80 रुपए लीटर है। उधर इधर क्या पाकिस्तान इंडिया का है वो बॉर्डर, कितने किलोमीटर अंदर है? उधर तो 80 रुपए किलो है लीटर है, इधर तो 92 रुपए किलो। किस वजह से इधर 12 रुपए लीटर, एक लीटर के पीछे 12 रुपए कई को ज्यादा बढ़े? कौन कौन आमदार पूछने वाले, नगर सेवक कौन कौन आदमी पूछने वाले इधर? तो ये राजनेता जब वोट मांगने आते हैं ये बताते हैं आप ये सारी चीजें? हर साल हम बताते हैं, कुछ आते देते बोल को, सिर्फ आश्वासन देने का जाने घर को, कुछ काम करने के ने क्या भी नहीं। मेरा नाम महेश गोसावी। जी जी, मैं ऑटो ड्राइवर हूँ। हाँ जी महेश साहब, बताइए कि भी विधानसभा चुनाव आने वाला है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आपको लगता है कि राजनेताओं को बात करनी चाहिए जनता की? फिलहाल तो राजनीति सिर्फ जाति धर्म पर ही चालू है, बाकी कुछ काम धंधा बोलो, ये सर्विस वाले बोलो, हमारे जो बीड़ी कामगार है उनके लिए बोलो, हमारे माताड़ी कामगार बोलो, उसके लिए कुछ नहीं है। ये जॉब सिर्फ जाति धर्म पर राज करना चालू है, इसलिए हम युवक बेरोजगार है। अभी मैं 10वीं पास हूँ,
क्या मैं दसवीं पास हूँ, मुझे काम नहीं, धंधा नहीं, इसके लिए ऑटो लेके चला रहे हैं। काम वाम नहीं इसीलिए ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। ऑटो गौंडी काम और तीसरा यहाँ मार्केट आर्ट, इसके सिवा सोलापुर में कौन सा ही काम नहीं। जो 90% तो हमारे औरत लोग ही घर चलाते हैं, बीड़ी कामगार चाहिए, मार्केट यार्ड में जो झाड़ू मारते हो, सिर्फ औरत की वजह से हमारे सोलापुर सिटी चल रही है। जेंट्स लोगों को तो कुछ काम ही नहीं है इधर। सुबह आते हैं नेता गिरी, पाँच साल के बाद आते, इलेक्शन जितना होता है उतना बोलते, बाकी वो उनके घर, हम हमारे घर, चलो और 10 रुपये 5 रुपये जमा करते फिरना पड़ता है। अभी मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, सिर्फ हिंदू ऑटो ड्राइवर नहीं, इधर मुस्लिम है, साली समाज का है, पद्माशाली का है, जोशी समाज का है, धनगर समाज का है, जो सबको लेवल के लिए बोलो तो सब मिलकर रहना चाहिए, तो ये हमारा धंधा होता है। अब मैं सिर्फ हिंदू बोलूँगा तो मेरे गाड़ी में मुस्लिम औरत नहीं बैठेंगी। अभी ये पॉलिटिकल लोगों को समझ में नहीं आता है, वो ऐसा कैटर से ये हो रखे है ना, ये हिंदू मुस्लिम में ज़्यादा नफरत फैला रही है लोग। अभी 15 साल हुआ इधर देशमुख साहब आमदार है, हमारे एरिया में कभी वो नहीं आते थे देशमुख साहब, और 15 साल हुआ हमारे नगर सेवक थे जो महेश कोटे, अभी वो MLA के लिए ठहर रहे, 15 साल मध्य में गए थे, उनका भी दुर्लक्ष हुआ था हमारे एरिया में। तो हम विश्वास किस पर रखना चाहिए, आमदार पे रखना चाहिए या नगर सेवक पे रखना चाहिए, दोनों भी। अभी चालू आमदार भी इधर गई है और नगर सेवक भी इधर गई है, तो भी हमारे बोले तो एरिया का डेवलपमेंट उतना जितना चाहिए उतना नहीं हुआ है। अभी वो संविधान ने हमें ये दिया है अधिकार है, वो बजाना है, दूसरा कुछ बाकी नहीं। मेरे ये का अकेले के वोट से ना दुश्मन आएगा ना ये कोटे आएगा, जो काम करना चाहिए ना, थोड़ा तो काम बिल्कुल कुछ काम नहीं रस्ते को आते, हर एक साल 5 साल में एक ही बार आते, दूसरी बार ना देखते नहीं, वो जनता के इतने परेशान में क्या पूछते नहीं। वो मुमी नगर बाकोने साइड का रोड देखे ना तुम्हें, हर एक 3 महीने में 4,000 सौ अफसर बैठते, फिर कैसे करके कैसे खाएंगे बोलो, फिर इतना घंटा गाड़ी रहते को, इतना सुविधा रहते को, स्मार्ट सिटी रहते को, क्या कुछ फायदा करे। आप तुम पुणे मुंबई सिटी में जाओ, एक बोले एक जेंट्स या एक औरत बैठेंगे, 30 रुपये का मीटर चालू होता है, हम 11 किलोमीटर एक औरत को 15 रुपये के लिए लाते हैं। क्यों लाते हैं मालूम है, वो भी औरत ना 5,000 के लिए 12 घंटे काम करते हैं। उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ती है ना, वो सुबह 7 बजे जाएगी और 9 रात के 9 बजे आएगी, 5,000 कमाएगी, तो उनसे ज़्यादा भी पैसा नहीं ले सकते। और मेंटेनेंस इतना रहता है ना हम लोग का गाड़ी का, ये हम लोग ये मालूम है। अभी मुझे दूसरा कुछ काम नहीं आता, इसलिए मुझे ऑटो चलाने का नौबत है, घर तो चलाने पड़ते हैं, बच्चे बीवी बच्चे। तो ये हालात है, अभी जनता की राय आपने सुनी, खास तौर से जो मजदूर तबका है जो रोज़ाना काम करके कमाते हैं, उन लोगों की आप परेशानी देखेंगे और जीवन देखेंगे तो बहुत कठिन है, और इन्हीं चीज़ों में सिमट कर रह जाता है। शिक्षा पहले सही से नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वो कोई काम भी करने के लिए जाते हैं तो काम भी उनको ढंग का नहीं मिलता है। अब रोज़गार ही नहीं है तो आदमी कुछ ना कुछ करके तो अपना घर चलाएगा, तो आखिर में जब वो कुछ ना होते हुए एक ऑटो रिक्शा ही खरीद लेता है, तो उसमें भी रास्ते ख़राब हैं, या तो परमिट के लिए पुलिस पकड़ लेती है, या फिर उसके साथ कुछ भेदभाव हो जाता है। जीवन चक्र है, राजनीति मतलब राजा की नीति, और राजा की कोई नीति नहीं होती, राजनीति चलेगी, जनता पिस रही है, ये हालात ऐसे ही चलते रहेंगे और इसका कोई निवारण शायद नहीं निकल सकता। अब खैर इस पे आपके क्या विचार है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले एपिसोड में, ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल डेक्कन डाइजेस्ट के साथ।